औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर टी वी के मोज़े सामीन को अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको शेख सादी के बारे में एक दिलचस्प वाक़या बताएंगे। शेख सादी बयान करते हैं, एक दिन बादशाह ने अपने तीन वज़रा को दरबार में बुलाया और तीनों को हुक्म दिया कि एक एक थैला लेकर बाग में जाएं और बाग से बादशाह के लिए अच्छे अच्छे फल जमा करें। वज़रा बादशाह के इस अजीब हुक्म पर हैरान रह गए। तीनों ने एक एक थैला पकड़ा और बाग में दाखिल हो गए। पहले वजीर ने कोशिश की कि बादशाह के लिए उसकी पसंद के मज़ेदार और ताज़ा फल जमा करे। उसने सख्त कोशिश की और ताज़ा फलों से थैला भर लिया। दूसरे वजीर ने दिल में सोचा, बादशाह एक एक फल का खुद तो जायजा नहीं लेगा कि ये कैसा है, और ना ही फलों में फर्क देखेगा। इसने बगैर देखे जल्दी जल्दी हर किस्म के ताज़ा, कच्चे और गले सड़े फलों से थैला भर लिया। तीसरे वजीर ने सोचा, बादशाह की तवज्जो तो सिर्फ थैले के भरे होने पर होगी, इसके अंदर क्या है बादशाह इसे नहीं देखेगा। यही सोचकर वजीर ने अपने थैले में घास फूस और पत्ते भर लिए और मेहनत से बच गया, और उसने अपना वक्त भी बचा लिया। अगले दिन बादशाह ने तीनों वजीरों को अपने अपने थैलों समेत दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब तीनों दरबार में हाजिर हुए तो बादशाह ने थैलों की तरफ देखा और हुक्म दिया कि तीनों को इनके थैलों समेत एक माह के लिए दूर दराज जेल में कैद कर दिया जाए, सिर्फ इनके पास इनके अपने भरे हुए थैले हों। अब पहला वजीर, जिसने अच्छे अच्छे फल चुनकर जमा किए थे, मज़े से अपने इन फलों पर गुजारा करने लगा, यहाँ तक कि एक माह आसानी से गुजर गया। दूसरा वजीर, जिसने बगैर देखे ताज़ा और ख़राब तमाम फल जमा किए थे, उसके लिए मुश्किल पेश आई। कुछ दिन तो ताज़ा फल खा लिए, लेकिन फिर कच्चे और गले सड़े फलों पर गुजारा करना पड़ा। तीसरे वजीर की हालत बहुत ही अबतर हो गई, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ ना था। उसके इस थैले में घास फूस थी और कुछ दिन बाद ही भूख और प्यास से मर गया। शेख सादी फरमाते हैं कि आप अपने आप से पूछिए कि आपने क्या जमा किया। आप इस वक्त बाग में हैं, जहाँ नेक अमाल कर सकते हैं और अपने थैले को नेकियों से भर सकते हैं। जब कब्र में चले जाएंगे तो नेक और बद अमाल का सिला मिलेगा। इस जेल यानी कब्र में आप अकेले होंगे, जहाँ आपके साथ सिर्फ आपके नेक अमाल की थैली होगी। हमें चाहिए कि अब मेहनत कर लें और अपनी थैलियों को नेक अमाल से भर लें। अगर आपको किस्सा पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।